गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 10 विषय संस्कृत पाठ 5 पंचमह पाठ्य। पाठ का नाम है वाक केली अर्थात प्रहेलिका। प्रहेलिका होती है पहेलियाँ। पहेलियाँ कौन नहीं जानता, यानी सभी प्रहेलिका जानते हैं। प्रहेलिका जो होती है इसमें प्रश्न पूछा जाता है और श्रोता को उत्तर देना पड़ता है। प्रहेलिका जो होती है दो प्रकार की होती है, एक प्रहेलिका जिसका उत्तर उसके अंदर छिपा रहता है, दूसरी प्रहेलिका जिसका उत्तर बाहर से ढूंढना पड़ता है। प्रहेलिका जो होती है मनुष्य का शाब्दिक विकास करती है तथा साथ में ही बौद्धिक विकास करती है और मनोरंजन भी इससे होता है। तो ये वाला जो पाठ है प्रहेलिका वाक के लिए, इसमें प्रहेलिका दी गई है, इनका उत्तर देखते हैं क्या है, कौन सी है प्रहेलिकाएँ। पहली जो प्रहेलिका है इसका उत्तर इसी में निहित है। कस्तूरी जायते कस्मात को हंती करिणाम कुलम किम कुर्यात कातरो विभे मृगात सिंह पलायते। कस्तूरी जायते कस्मात, ये वाला जो प्रश्न है कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, उत्तर है मृगात। को हंती करिणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन मार सकता है, उत्तर है सिंह। किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, पलायते। मृगात सिंह पलायते। और ये एक और प्रश्न बन रहा है, जो मृग है जो हिरण है वो शेर को देख करके भाग जाते हैं। दूसरी प्रहेलिका जो है भोजनांते च किम पेयम जयंत है कस्य वै सुत है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सकृत्से दुर्लभम। भोजनांते किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, इसका उत्तर है तक्रम। तक्रम होती है छाछ। जयंत है कस्य वे सुत है, जयंत किसका पुत्र है, उत्तर है सकृत्से अर्थात इंद्र। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, किस प्रकार से विष्णु पद होता है मुक्ति, किस प्रकार से मोक्ष मिल सकता है, मोक्ष क्या होता है दुर्लभ होता है। तक्रम सकृत्से दुर्लभम। और ये प्रश्न बनता है छाछ जो है इंद्र के लिए दुर्लभ है। आगे वाली जो प्रहेलिका है वह है रवे कवे किम समरस्य सारम कृषभे किम वदन्ति भृंगः सदा भयम चाप्यम केषां भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। रवे कवे, रवि का सार किसमें है, इसका उत्तर है भा का अर्थ होता है कांति। कवि का सार किसमें है, गी का अर्थ होता है गीति। अर्थात रवि का सार किसमें है, चमकने में। कवि का सार किसमें है, गीति में, लिखने में, गायन में। समरस से सारम किम समरस समर यानी युद्ध का सार किसमें, रथी वीर में। कृषभ है किम अदंति भृंगः, और जो भंवरे हैं वह किसका निर्माण करते हैं, रसम। भंवरे रस का निर्माण करते हैं। सदा भयम चाप्यम केसाम, हमेशा किन को भय लगा रहता है, पराश्रित जो होते हैं उनको हमेशा भय सताता है। आगे वाली जो प्रहेलिका है प्रहेलिका नंबर 4 सीमांती सुखा शांतः, स्त्रियों में सबसे शांत कौन सी स्त्री थी, इसका उत्तर है सी उल्टा अर्थात सीता। स्त्रियों में सबसे शांत थी। राजा को अद्भुत गुणोत्तम, राजाओं में सबसे गुणों में उत्तम कौन सा राजा था, तो पहला जो अक्षर है ये और लास्ट वाला अक्षर है राम। विद्वत भी का सदा वंदा, विद्वानों के लिए हमेशा क्या वंदनीय होती है, क्या पूजा करने योग्य होती है, तो इसका उत्तर वी और था विद्या अर्थात। और अत्रेय उक्तम न बुध्यते, अत्यधिक बोलना सुंदर नहीं लगता। अति होती जो किसी भी चीज़ की जो अति होती है वह अच्छी नहीं होती है। पानीम पातुम इच्छामि त्वत् कमल लोचने यदि दास्यसि ने इच्छामि न दास्यसि पिबामि अहम्। इस प्रहेलिका का उत्तर है आँख, यानी हे कमल रूपी नेत्रों वाली मैं पानी पीने की इच्छा रखता हूँ, यदि तुम देती हो तो इच्छा नहीं है, नहीं देती हो तो पीना चाहता हूँ। प्रहेलिका नंबर 6 है कम संजगान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषण करता कम बलवंतम न बाधते सीतम। कम संजगान कृष्ण है, कृष्ण ने किसको मारा, इसका उत्तर कंस को कृष्ण ने मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल जो गंगा है वह कहाँ बहती है, का और सी काशी में। केदार पोषण करता,
पोषणकर्ता कौन होती है? केदार स्त्री। उसके बाद में है कम बलवंतम ने बाधते सीतम, जो कंबल है वह किसको बचाती है सीत से? कम बलवंतम, कम बलवान को अर्थात कमजोर को। पहेली का नंबर 7 है, केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणः हर्षम उपागतः रुदन्ति कौरवा सर्वे हाहा केशव केशव। केशव को गिरा हुआ देख करके द्रोण उसके पास आकर के प्रसन्न होते हैं। केशव कृष्ण को कहा गया है, रुदन्ति कौरवा और उसको देख करके कौरव रोते हैं सारे सर्वे हाहा हाहा हा केशव हा केशव हाय केशव हाय केशव। पहेली का नंबर 7, ए पदव दूरगामी जिसके पैर नहीं है लेकिन दूर तक जा सकता है, साक्षरव न च पंडित है, साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है, अमोघ स्फुट वक्ता और बिना कहे ही सब कुछ बोल देता है, स्फुट वक्ता है, यो जानाति स पंडित है, जो इसको जानता है वह पंडित है। इसका अर्थ होता है, इसका उत्तर है पत्र। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा है, त्रिनेत्रधारी न च सूल पाणी, पेड़ के ऊपर रहता है लेकिन पक्षी राज नहीं है, तीन नेत्रों वाला है लेकिन शिव नहीं है, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, छाल के कपड़े पहन रखे लेकिन कोई सिद्ध योगी नहीं है, जलम च विभ्रम घटव न च मेघ, जल से भरा हुआ है लेकिन घड़ा और बादल नहीं है। जल से भरा हुआ है लेकिन बादल और घड़ा नहीं है। इसका उत्तर है नारियल। पहेली का नंबर 10, नंदामी मेघान गगनम अवलोक्य, बादलों को देख करके मैं नृत्य करता हूँ, नृत्यामी गायामी भवामी तुष्ट, नृत्य करता हूँ गाता हूँ और संतुष्ट होता हूँ, ना हम कृषिज्ञ पथिको अपि ना है, ना तो मैं किसान हूँ ना ही कोई पथिक हूँ, वदतु विज्ञा नाम धेयम, अगर आप पंडित हो आप ज्ञानी हो तो बताइए मैं कौन हूँ। उत्तर है मोर। तो ये जो सारी पहेलिका है इनको ध्यान से पढ़ना है और इनको याद करना है, नोटबुक में करना है। धन्यवाद।